ये है हमारे गार्डन के माल्टा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रमा विष्ट स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एप्पल जोन रामगढ़ में अपने एक नए वीडियो के साथ। मैंने आपको बताया था कि हमारे क्षेत्र में कई प्रकार के फल होते हैं। सर्दी में होने वाले फल नींबू, माल्टा, संतरा, कीवी और पैशन फ्रूट। उनमें से माल्टा भी एक प्रमुख है। यह जूस के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। इसका हम जूस भी बनाते हैं और स्क्वैश भी, और इसके छिटकलों से स्क्रब, एसेंशियल ऑयल, अन्य चीजें बनाई जाती हैं। अब मैं अभी आपको दिखाती हूँ नींबू। और ये है कागजी नींबू, या इसे लाइम भी कहते हैं, छोटा कागजी नींबू। अब मैं आपको दिखा रही हूँ छोटा नींबू, कागजी नींबू। इसका भी जूस, स्क्वैश, अचार, कई चीजें बनती हैं। उसी के साथ इसका छिकल का स्क्रब और एसेंशियल ऑयल बनता है। अभी हम स्क्रब, जूस, अचार और स्क्वैश तैयार करते हैं और हमारे वहाँ एसेंशियल ऑयल अभी नहीं बनता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ संतरा। और ये है संतरा, यह है मेरे गार्डन का संतरा। जी हाँ साथियों, जितने भी फल हैं यह सारे हमारे गार्डन एप्पल जोन में लगे हुए हैं। यह है संतरा। पिछली बार बरसात ही गिरने से पूरा पेड़ टूट गया था, फिर से ग्रोथ लेने के बाद अभी इसमें कुछ ही दाने आ रखे हैं। यह है मेरे गार्डन में लगा हुआ कीवी। इसमें से हमने बड़े फलों की छटाई कर दी है जो अभी पकने के लिए रख दिए गए हैं, और छोटे फल अपने साइज में आ जाएगा, ग्रोथ इसकी बढ़ जाएगी। अभी ये छोटा ही है और इससे हमने कई प्रोडक्ट बनाए हैं जिनमें जैम, चटनी, स्क्वैश और शुगर भी। अभी हमने ये सारी चीजें तैयार की हैं और हम ये सारे फल स्थानीय लोगों से लेके भी, हम स्थानीय काश्तकारों से ये सारे फल लेते हैं और इनकी अपने एप्पल जोन सेंटर में प्रोसेसिंग करते हैं और कई तरह के प्रोडक्ट निकालते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ नींबू। इसे हिमालयन नींबू या बड़ा नींबू भी कहते हैं। इसका भी जूस, स्क्वैश और इसके छिकलों से स्क्रब और ऑयल निकाला जाता है। यह है बड़ा नींबू या हिमालयन नींबू। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ और ऐसा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।